नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पायल मल्होत्रा है। मैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के पीडियाट्रिक हिमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी विभाग में कंसल्टेंट हूँ। तो आज हम बात करेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में। सबसे पहले बोन मैरो क्या है? बोन मैरो वो फैक्ट्री है हमारे शरीर में जो कि ब्लड की तीनों कोशिकाओं को बनाती है। ब्लड की तीन कोशिकाएं कौन सी है? लाल खून यानी आरबीसी, सफेद खून यानी प्लेटलेट, एंड तीसरी एक इम्पॉर्टेंट कोशिका है WBC जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अब आते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम पेशेंट की बोन मैरो जो कि डिजीज्ड मैरो है या खराब मैरो है जो किसी भी कारणवश हो सकती है, जैसे कि ब्लड का कोई कैंसर ALL, AML, CML या लिम्फोमा, या ब्लड के अन्य डिसऑर्डर्स जो कि कैंसरस नहीं है, जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया या बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम्स। इन सब डिसऑर्डर्स में यदि पेशेंट फिट है या जरूरत है तो पेशेंट के डिजीज मैरो को रिप्लेस किया जाता है हेल्दी मैरो से। अगला सवाल, ये हेल्दी मैरो आती कहां से है? ये हेल्दी मैरो के लिए हमें डोनर चाहिए जिसके पास हेल्दी मैरो है। यह डोनर पेशेंट का भाई या बहन हो सकता है जिसके साथ पेशेंट का कंप्लीट मैच है। कंप्लीट मैच मींस डीएनए लेवल पर कंप्लीट मैच। या फिर ये डोनर एक्सटर्नल हो सकता है। एक्सटर्नल अर्थात कि वो पेशेंट का भाई या बहन नहीं है, पर जैसे ब्लड बैंक अवेलेबल है उसी तरीके से बोन मैरो बैंक्स भी अवेलेबल हैं जिनको हम बोन मैरो रजिस्ट्री बोलते हैं। यह डोनर्स पेशेंट के रिलेटिव्स नहीं होते हैं लेकिन डीएनए लेवल पर कंप्लीट मैच होते हैं। ऐसे ट्रांसप्लांट को हम मैच्ड अनरिलेटेड डोनर बोलते हैं। तीसरा सोर्स डोनर का हो सकता है माता या पिता। यूजुअली इनसे कंप्लीट मैच नहीं होता है और हाफ मैच होता है। सो हाफ मैच ट्रांसप्लांट भी किए जा सकते हैं। तो तीन टाइप के ट्रांसप्लांट हो गए, मैच सिबलिंग डोनर, मैच्ड अनरिलेटेड डोनर या फिर हैप्टो ट्रांसप्लांट। अब ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट क्या है? हम राजीव गांधी में हैप्लो, मैच्ड अनरिलेटेड, मैच सिबलिंग तीनों ही टाइप के ट्रांसप्लांट्स करते हैं, कैंसरस डिसऑर्डर्स एंड नॉन कैंसरस डिसऑर्डर्स दोनों के लिए। इसका सक्सेस रेट डिपेंड करता है कि ये किस चीज के लिए किया जा रहा है, किस टाइम पॉइंट पे किया जा रहा है, कौन से टाइप का ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, बच्चे की एज या उसमें अन्य रिस्क फैक्टर्स कितने हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कहाँ किया जा रहा है, वेदर इट इज अ टीम सपोर्ट, वेदर इट इज अ पूरा बैकअप सपोर्ट, एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अवेलेबल है या नहीं। थैंक यू।